फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सॉल्व जायका ज़िंदगी। आज ईद का थर्ड डे है और बस मैं सो के अभी भी उठी हूँ और मुझे किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। तो आप मेरे साथ रहिएगा और हम यहाँ पे छापा मारेंगे। तो हेलो, उठ गई? आप उठाए क्यों नहीं मुझे? मैं देखूँ ना, आप काम करते हुए कैसे लगते हैं कभी कभार? मजबूरी कर जा रही है। वीडियो बना रही हूं। मतलब वो स्टार्ट कर दिया, आपने वेट नहीं किया यार? तो भाई मुझे खाना बनाना है, खाना खाना है। ये तो गलत है भाई, क्या क्या है ये? अच्छा हाँ, ये तो हमारा ईद स्पेशल है ना। हाँ ये स्टेज है। नहीं ये वीडियो किस लिए बना रही हो? वीडियो में डालूंगी ना फेसबुक पे। यार तुम हालत देखो, मेरी हालत देखो, किचन की हालत देखो। मैं दिखा, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने। मुझे क्या पता किचन में कहाँ रखा है? यार जो है मुझे पूछ लेते यार। ये लीजिए। ओ भाई मैं इतना पोर नहीं हूँ, मैं मेरे से गंदा नहीं होगा, मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे। अभी ये क्या है? टोपी ओपी नहीं लगाओ? टोपी तो पहनाते सबको। टोपी ओपी नहीं लगाना, वैसे भी कौन ओ। अच्छा एक काम कीजिए यार, इससे अच्छा डिजाइन नहीं मिला। पसीना आना चाहिए, ये है मेहनत। तुम्हें उठाया नहीं मैं, एक तो तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, ऊपर से इतनी गर्मी में एप्रन भी बना दिया। अरे भाड़ में गए, पहाड़ में चढ़ जाते हैं, जन भी मार देते पता आपको। हाँ जी, क्या किया जा रहा है आपको दिखाते हैं किस तरह से स्टेक बनेगा। तो आप बताएं ना व्यूअर्स को किस तरह आप स्टेक बनाते हैं। किस तरह स्टेक तैयार करते हैं? ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टेक के कट्स कौन से होते हैं। ये तो स्ट्रिप लॉइन, स्ट्रिप स्टेक भी कहते हैं, न्यूयॉर्क स्ट्रिप भी कहते हैं। तो ये हम कब लेकर आए थे और हमने क्या किया, प्रोसेस पूरा मुझे बताइए कैसे किया था। कभी मुझे नहीं बताना होता, मुझे कोई प्रोसेस नहीं करा है यार। ये देखिए कौन कौन से स्टेक्स होते हैं। एक तो स्ट्रिप लाइन होता है यार, बहुत सारे हैं। रिबाई स्टेक है, ये स्ट्रिप है, सरलॉइन स्टेक होता है, और बहुत सारी टाइप्स हैं। टेंडरलॉइन होता है, फ्लेमिनियन होता है, पिकानिया होता है। नहीं बहुत अवेयरनेस है वहाँ पे लोगों को भाई, बहुत। वो ये ना चाप का गोश्त होता है ना, उससे ऊपर ही ये पुट पुट का गोश्त है। ये पुट के गोश्त में से निकाला है। आपको पता है इतने लोग अवेयरनेस देते कि जी ये लेग पीस अलग से मिलेंगे और जी वो गोल्डन पीस अलग से मिलेंगे। अगर आपने जो है वो लेना है लेग पीस लेना है तो उसके अलग प्राइसेस हैं, ठीक है? एक मिनट रुको, मैं इसको बोल दूँ। तो अगर उनको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये जो स्टेक्स हैं ये बेसिकली नॉर्मल जो मीट है उससे ये 4-5% एक्सपेंसिव मिलते हैं। मतलब नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप गोश्त कौन सा ले रहे हैं। जैसे ये है ऑस्ट्रेलियन वाग्यू है। फालतू जो चिकनाई है थोड़ी सी ट्रिम कर दें इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत चिकनाई है, मेरा मस्कुलर फैट भी बहुत है। हर वक्त आपने यही देखना होता है यूट्यूब पे कौन से स्टेक। आपका तो कोई ड्रीम भी है मेरे ख्याल से, आपका क्या ड्रीम है? आपका कौन सा आपने स्टेक जो है टेस्ट करना है? अच्छा हाँ, वाग्यू कूबे बीफ यार। वो हलाल जब करेंगे ना, वो फिर हम चेक करेंगे जब हलाल नहीं है। अच्छा तो इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस पे यार नमक ले आऊंगा। निकाल लिया यार। ये अच्छा, मैं देर से उठी हूँ तो सारे काम हो गए। ताकि हमें पता चले एक्चुअली हमने नमक डाला। गाइस एक्चुअली स्टेक वाकई में ये बहुत डिलीशियस बनाते हैं और ये इनकी जॉब है। स्टेक जो है वो वाहिद है जो चीज़ इनको जो मैं फरमाइश करती हूँ कि मुझे स्टेक खाना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार करते हैं। हम कहीं बहुत जगहों को ट्राई कर चुके हैं, फ्राइडेज़ का ट्राई कर चुके हैं, स्टेक हाउस का ट्राई कर चुके हैं,
और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो आप रेसिपी नोट करते जाइए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? बहुत डिलीशियस बनता है। सबसे पहले तो उसको नमक लगा के और रख दें फ्रिज में। अच्छा हाँ, और 2 घंटे का कैमरा बंद कर दो, 2 घंटे बाद आगे शुरू करेंगे। नहीं तो फिर सॉस बना लीजिए आप। कौन सा सॉस बना ले? अरे सॉस इज एट इज मैश बिरयानी। मैश पिरा बना लीजिए आप। मैं बिरयानी भी बना देता हूँ और उसके बाद ऐसा करता हूँ सब कुछ बना लेता हूँ, सारा खाना मैं बना देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ये वाकई बना ले मैश पोटैटो क्या? यार बगैर मैश पोटैटो के कैसे आप, मतलब सूखा सूखा सा स्टेक खिलाएंगे आप इतने? मतलब जब हम बनाएंगे कुछ तो हमें तो सलाद भी हो, रायता भी हो, चटनी भी हो, चार तरह की चटनियां होनी चाहिए, खट्टी मीठी नमकीन बड़ी। सामान नहीं पता ना मुझे कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। आप मुझे बोले हम हाजिर है, बोले अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं स्टैंड पर लगाती हूँ इसको मोबाइल को। आलू तो ये सामने पड़े हैं। अच्छा ना आपको पता होगी चीजें कहाँ रखी होती है। मुझे बहुत मजा आ रहा है आज, मैं बना रही होती हूँ आप देख रहे होते हैं। मुझे दो ना कोई हो तो दो, कोई कहाँ रखे पतीले वतीले क्या है, किस चीज में आलू बालू मत। अच्छा मैं आपको देती हूँ। अरे तो पानी में ही तो जा रहे हैं, पानी में ही तो उबल रहे हैं इसको। नहीं शुक्र है आप जो ना वो इडली पकाते हैं भाई। चल जा भाई, तो दावत नामा आया ना तेरी है। गजब बेइज्जती है। हाँ जी ये क्या है? और गर्मी लग रही है ये ड्रामा। अब तो इसको बल्ले में टाइम लगेगा, जब तक क्या करना है तब तक आप मछली साफ कर दूं। शिकारी की मछली पड़ी है, सारे काम ही निपटा दो, जब तक रहे घर पे काम ही निपटा दे तुम। मछली वाला काट देना उसमें से। अच्छा फिर क्योंकि आलू बलने में तो टाइम लगेगा ना, आलू को जल्दी थोड़ी उबल जाएंगे। ठीक है फिर मछली एक काम करते हैं, आप करें मैं क्लिप कर करके ना और एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर किसी को फिर भी देखना होगा। फिर हम लोग जो शिकार करते हैं, जो हमने किया है चांद रात में शिकार, तो वो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं उसका नाम, और बिल्कुल फ्रेश फिशेज है। देसी लोगों को पता है, वो बोलते हैं ना जी डकरी के गोश्त की जो ना वो पुलाव अच्छा लगता है, पुट के गोश्त की बिरयानी होती है जी, चाकू का जो ना वो कढ़ाई बनती है,
स्टेक इसी तरीके से है, डिफरेंट कट्स हैं उनके, डिफरेंट स्टेक है उनका, डिफरेंट फ्लेवर है, डिफरेंट हर चीज है। मुझे वो हैंड का लगता है ना कि ये मीडियम टू हां, वो मुझे सबसे मजे का लगता है। थ्री फिंगर मेथड बेसिकली, तो ये बेसिकली रॉ है ना, जब आप इसको इस तरह फिंगर मेथड, हां जब आप इसको इस तरह प्रेस करते हैं ना, ये बिल्कुल नरम है, आपका गोश्त बिल्कुल ऐसा ही होता है जब वो कच्चा होता है, ठीक है ना। जब आप इसको यहाँ रखते हैं फिर ये जितना सॉफ्टनेस इसमें है ना अभी, ये होता है मीडियम रेयर। जब आप कुक करते हैं तो मीडियम रेयर, फिर जब आप यहाँ लाते हैं तो ये हो जाता है, इसको आप प्रेस करके देखें, जितना जितना ये दब रहा है इतना गोश्त का पीस दबेगा, वो हो जाएगा मीडियम, और ये है आपका वेल डन। तो जब आप अपने हाथ पे करेंगे आपको खुद फील होगा कि यहाँ ये बिल्कुल नरम अच्छा, होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ड होता जाएगा और यहाँ ये अच्छा खासा हार्ड होगा। और अगर ये ऐसे कर दें यहाँ पे रखे इधर, ये क्या हो गया बर्न, यहाँ यहाँ रख दो तो वो ठीक है। जाओ अब आप इसको जो ना रोटी से खा लो मसाला बना के, उसके बाद कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं रखा है स्टेक में, ये जल गया स्टेक। आलू हो गए होंगे ना जी, लगाएंगे ना, एप्पल ट्री टूटेगा पूछे जा रही है। जायका ऐसे ही है, इसे पील ऑफ कर देते हैं, फिर हम छिलके उतार देते हैं इसके। जी जी, ओहो इतने कम गरम हो रहे हैं ये, एहतियात कीजिएगा। छुरी धो दी थी वरना हम ये मछली वाले जाके के खाने पर। अच्छा और बताइए सॉस और नमक, नमक तो मुझे अंदाजा नहीं है, इसमें बताना नमक कितना जाएगा, कितने में निकल जाओगे। चक्के भी तो देख सकते हैं बस दादा, हां कम थोड़ा सा चक्के, नमक चाहिए, काली मिर्च डालते हैं थोड़ी सी, हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। आई थिंक बहुत है, नहीं काली मिर्चे तो टेस्टी चीज है, और टेस्टी चीज है, और ये थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम पार्सले, बस इतना का, ठीक है, काफी स्ट्रांग होता है ये। थाइम डालेंगे, थाइम नहीं, नहीं थाइम नहीं डालेंगे। ओके कुछ और इसमें क्रीम चीज डालेंगे, पहले ये तो मिक्स करेंगे क्रीम चीज। अच्छा जी, नहीं वो क्यों डालेंगे, अगर पाकिस्तान में बनाना हो क्या ना हो, क्रीम चीज तो अवेलेबल है पाकिस्तान में, अवेलेबल तो है लेकिन घर में वक्त नहीं होती ना, नॉर्मली हम किसी नहीं, लेकिन क्रीम चीज के बगैर मैश पोटैटो का टेस्ट ही नहीं आएगा। क्रीम अलग चीज है, क्रीम चीज अलग चीज है यार, विदाउट ट्राई किए बगैर मैं कैसे गाइड कर रही हूं। बात तुम्हारी सही है, अब बहुत उसमें बहुत सारी वेरिएशन है, चिकन स्टेक बनाया था ना हाँ। उसमें मैंने फ्रेश क्रीम यूज की थी, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, लेकिन ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ना क्रीम चीज के साथ, इसमें जो एक हल्की सी खटास आती है ना चीज की, जो वो अलग ही क्लास है उसकी ना, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे। ये तो तैयार हो गया, अब मैं स्टेज रख रहा हूँ क्योंकि स्टेज में भी टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, तो स्टेज को मैरिनेट करके वैसे मैं पसंद करता हूँ कि ये पूरी रात रखी रहे, लेकिन क्योंकि अभी लग रही है भूख
तो हम इतना इंतज़ार कर नहीं सकते। अच्छा जी, वो काली मिर्ची ले रही। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मिस्टर एंड्रॉयड ने ब्लॉगिंग में इस तरह से। हाँ, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये तुमने जबरदस्ती करवाया। हाँ, ये मैंने देखा तो मुझे पसंद आया था ये स्टाइल, तो मैंने कहा ये करेंगे ट्राई। मैं गार्लिक पाउडर, काली मिर्च और नमक बस। नहीं नहीं टाइम हम टेस्टिंग में। हाँ डन, बस वो उसमें नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर, और दोनों साइडों पे करना है। दोनों साइडों पे करा है मैंने ना। ठीक है ठीक है, बल्कि एजेस पे भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ नहीं नहीं, वो जब होगा ना मैच तो खुद ही लेकर जाएगा। ओहो, ये तुम बना रही हो? मैं बना रहा हूँ। आप? हाँ तो फिर मैं करूँ, मैं बताऊँगा जो करना है वो मैं बताऊँगा। ओवन में और नीचे रख देंगे एक प्लेट, ताकि जो उसमें से वाटर गिरे ना। ओके, नीचे गिरे। सही। आई हैव वन मोर थिंग टू प्रिजर्व। ही सही। हमें जो ना बस इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है ना वो 135 डिग्री तक लेके जाना है, और ये इसके लिए थर्मामीटर यूज कर रहा हूँ मैं। ये थर्मामीटर यूज कर रहा हूँ फॉरेनहाइट में, ये सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड में 57 होता है। तो इसका तरीका ये, इसके अंदर डाल के जो सबसे मोटी जगह है सेंटर में, वहाँ से इसका टेम्परेचर ले लें। अभी ये चिल्ड में था। और 20 मिनट्स हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। 120 तक पहुँचा हुआ है, लेकिन ये हो गए इंटरनल टेम्परेचर इसका। सेंटीग्रेड में ले रहे हो भाई? 135-136 हो गया, बस हो गया। ये बेलन का पूछा करें आप, चिमटे के ना पूछा करें। वाओ यम्मी। अब इसकी शक्ल इतनी कोई खास नहीं लग रही है। डिलीशियस। हाँ, भूख बढ़ गई। अब तुम्हारे किचन का सत्या नाश होने वाला है। ये तो परफेक्टली बन गए। अब इसको प्रोसेस क्या होता है, इसको क्या कहते हैं प्रोसेस को? हाँ, इस प्रोसेस को ये रिवर्स सीयरिंग मेथड है। इसमें पहले मैंने इसको स्लो कुक करा है जब तक ये 135-136 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए इनर, क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ मीडियम रेयर या मीडियम तक चला गया होगा ये अभी, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। और उसके बाद हम करेंगे सीयरिंग, ताकि इसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाए ना क्रिस्पी टाइप की। वो खाली वो है यार। अब तुम अपनी वीडियो बंद करोगी तो खा लें।
या खाते ही वीडियो बनानी है, टेस्ट चेक भी बनाना है। हाँ जी बिल्कुल, आपने मेहनत की है तो होना चाहिए ना। मैं फोर लिया हूँ, फोर्क नाइफ और एक स्पून भी आएगा। नाइफ तो मेरे पास है, स्पून का क्या करना है? ये टेस्ट ही करना। क्या ये मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैं इतने ही विस्कस बनाता हूँ जितना के फोर्क में उड़ जाए, मुझे पसंद ही। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो खाना खाओ। Delicious. टेंडर खलास, कुछ नहीं आई मेरे मुंह में। बेहतरीन टेंडर। okay. यार बंद कर दो, एक खाना खाते हैं बस। मैश पोटैटो चेक करें। मैश पोटैटो कैसा है? खाया ना मैंने यार। नाउ टेस्ट स्टेक और मैश पोटैटो का जो कॉम्बिनेशन है ये लो, तुम चेक करो। ये लो मैश पोटैटो के साथ, क्या कॉम्बिनेशन है इसका भाई। जो भी ब्लॉग दिखना है, नो डाउट इट्स सुपर डिलीशियस। ये बनाना जरूर है ये। वाकई में ये वाला डिश आ रही है अभी, आ रही है बकरी। और ये सब में ट्राई करना है। इसके ये जो जूसेस है ना, ये जूसेस में लगा के थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, मीडियम हो गया, मुझे इससे थोड़ा सा कम पका हुआ पसंद है। स्टे सॉस डालेंगे इसमें? मैं जरूरत लग रही है नहीं तो बस। नहीं, जो सेंटर है ना ये मुझे थोड़ा सा पिंकिश पसंद है। ओके, लेकिन नो डाउट बेहतरीन बना हुआ। तो अभी हम ये एंजॉय करते हैं और आप बना के आप भी एंजॉय करें और हमें कमेंट सेक्शन में बता दिए। और ये जो ये एक्सीडेंटल वीडियो इफत ने बनाई है, आइंदा ये नहीं आएगी। मैं आइंदा करूंगा नहीं, मेरे पसीने निकले, मैंने इतना काम कराया है। तो अभी हम चलते हैं फिर, इसको एंजॉय करते हैं। ठंडा होगा तो बेकार हो जाएगा, तो इसे एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। आपने करना क्या है, आप मैसेज नहीं जाना है, आपने करना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे खुशी फिशिंग डाइविंग कुकिंग कैंपिंग की वीडियो के साथ या इस तरह लाइव कुकिंग के साथ इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे साथ एंजॉय करते रहिए क्योंकि ये है ज़ौक ज़ायका ज़िंदगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। I love it, yaar. I love it. ये तुम्हारा? मैं पिक्चर ले लेती हूँ, मतलब ठीक है।